चक्रवाती तूफान दाना के ओडिशा के तटीय क्षेत्र से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रक्रिया के शुक्रवार सुबह तक जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकर्णिका और भद्रक जिले के थामरा के बीच पहुँच गया है। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ओडिशा में लगभग आधी जनसंख्या पर दाना का असर देखने को मिल सकता है। ओडिशा में 14 जिलों के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाना है। दाना के असर की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के भद्रक, केंद्रपाड़ा और बालासोर में अचानक हवा की रफ्तार काफी बढ़ गई है। अब वहां 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दाना के भीषण रूप लेने की आशंका को देखते हुए दोनों ही राज्यों में सरकारी मशीनरी हाई अलर्ट पर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बाढ़ से पैदा हो सकने वाले संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। ओडिशा सरकार ने दाना प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोगों को रखने के लिए 7,200 साइक्लोन सेंटर बनाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आसन्न तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। मांझी ने बताया कि चक्रवात के मद्देनजर राज्य के कुल 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और शुक्रवार सुबह तक ये संख्या 6 लाख से अधिक हो सकती है। फिलहाल कोई बड़े डैमेज का इंफॉर्मेशन नहीं है। SEOC अभी ये कंपाइल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सभी फील्ड यूनिट से, डिस्ट्रिक्ट से, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वह कुछ जगहों पर कुछ पेड़ गिरने की सूचना है, कुछ वाटर लॉगिंग की सूचना है जहां पर बारिश हुई है। फिलहाल कोई बड़ी डैमेज की इंफॉर्मेशन वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी नहीं है। दाना तूफान के आने की आशंका की वजह से कोलकाता और भुवनेश्वर के हवाई अड्डों पर रोक दी गई उड़ानें अब दोबारा शुरू हो चुकी हैं। कोलकाता के नेता सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हो गई थी। तूफान की लैंडफॉल प्रक्रिया के दौरान शहर में बारिश और तेज हवाएं चल रही थी, इस वजह से फ्लाइट्स रोक दी गई थी, लेकिन सुबह 8 बजे से यहां से फिर से उड़ानें भरनी शुरू हो गई हैं। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक एयरपोर्ट को भी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यहां भी उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं। भुवनेश्वर के अम्बेडकर बस अड्डे पर भी यातायात को रोक दिया गया था। भारतीय रेलवे ने भी इस क्षेत्र में चलने वाली करीब 150 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दोनों राज्यों के बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्यों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF को तैनात किया गया है। NDRF के जवान स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रहे हैं।